हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज सराफा बाजार में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार गोल्ड और सिल्वर की क्या प्राइस चल रही है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि भारत के अलग अलग मेजर सिटीज में सोने के क्या भाव चल रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ में पीएम मोदी सरकार के अंदर, पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर 3 बड़े नियम लागू हो चुके हैं पूरे भारत भर में, तो वो भी जानना बहुत ही जरूरी है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ में बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ खबरों की जानकारी मिल सकेगी। ओके, तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 7वां दिन खास रहा। सरकार गठन के 7 दिन के बाद आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने आम आदमी को जहां पर 3 बड़े तोहफे दिए, तो वहीं दूसरी ओर सरकार का एक फैसला लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। ओके, तो मोदी गवर्नमेंट की ओर से पहली बड़ी खुशखबरी है कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। जी हां दोस्तों, रेपो रेट में कटौती होने से बैंक सस्ती दर पर नए लोन देंगे और आपकी होम या ऑटो लोन होगी तो उसकी ईएमआई पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 लाख रुपए की होम लोन ली हुई है और इसकी अवधि 20 साल की है और मौजूदा इसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज 8.60% के हिसाब से आपकी जो ईएमआई की रकम है वह 26,225 रुपए बैठती है। अभी दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने 0.25% की दर से घटाने का फैसला किया है, तो नई ब्याज दर जो होगी वो 8.35 हो जाएगी और अब आपकी जो ईएमआई होगी वह 25,751 रुपए हो जाएगी। तो इस तरह से आपके 474 रुपए की बचत हो जाएगी। ओके, तो दूसरा बदलाव है, आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस के चार्ज हटा दिए। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी पर बैंकों के साथ अपनी ओर से वसूले जाने वाले चार्जेस को पूरी तरह से हटा दिया है। इसका मतलब साफ है कि ग्राहक अब बैंकों की ओर से वसूले जाने वाले चार्ज ही चुकाएंगे। ऐसे में आरटीजीएस और एनईएफटी करना सस्ता हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बदलाव है, एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज होंगे खत्म। जी हां दोस्तों, आरबीआई की ओर से एटीएम पर ट्रांजेक्शन चार्ज को लेकर भी बड़े फैसले लेने के संकेत दिए गए। केंद्रीय बैंक ने बैठक में एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है और इस समिति के जरिए एटीएम शुल्क से जुड़े मामले की समीक्षा की जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, ज्यादातर जो एटीएम से जुड़े हुए चार्ज होते हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे, आरबीआई की ओर से ये संकेत दिए गए हैं। इसके बाद एक झटका भी लगा है आम आदमी की जेब पर। जी हां दोस्तों, महंगा हुआ गाड़ियों का इंश्योरेंस। कार और दो पहिया वाहनों पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 16 जून से महंगा हो जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने वाहनों की कुछ श्रेणियों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ बदलाव जो सरकार की ओर से निकल कर आ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर की क्या प्राइस चल रही है। ओके, तो बात करें 22 कैरेट के अनुसार गोल्ड प्राइस की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,180 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 25,440 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 31,800 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,18,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 3,291 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 26,328 रुपए, 10 ग्राम के अनुसार 32,910 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 3,29,100 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। ओके, तो बात करें 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार भारत के अलग अलग मेजर सिटीज में गोल्ड प्राइस की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरै, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। ओके, तो बात करें चांदी के भाव की, तो 50 रुपये चमक कर आज 3 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर चांदी का भाव 37,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, तो आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कौन से वर्ष में अपनाया गया था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सही जवाब देने वाले विजेताओं को रेंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उनके नाम यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे और आप जीत सकते हैं गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से 500 रुपए का पेटीएम कैश। धन्यवाद। जय हिंद।